कोतवाली विकासनगर की डाक पत्थर चौकी क्षेत्र के बाड़वाला स्थित कारगिल शहीद राजीव पुंडी राजकीय इंटर कॉलेज में रविवार रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल के अंदर चोरी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरों के द्वारा कार्यालय के दो कमरों में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर, LED, वाईफाई व प्रिंटर सहित अलमारी में रखी फीस के लगभग 3500 रुपये पर हाथ साफ किया गया है। चोरों द्वारा क्रीड़ा कक्ष में भी छेदमारी करने की कोशिश की गई, जिसमें चोर असफल रहे। स्कूल के PTA अध्यक्ष कुछ रिपेयरिंग का कार्य करवाने स्कूल गेट के अंदर पहुंचे तो कार्यालय के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला, जिसकी शिकायत अध्यक्ष के द्वारा तुरंत स्कूल प्रबंधक से की गई। अंदर जाकर देखने पर कार्यालय में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब था। स्कूल स्टाफ के द्वारा इसकी सूचना तहरीर के माध्यम से संबंधित चौकी डाक पत्थर को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कार्यालय में लगा इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब मिला। पुलिस मामले की बारीकी से छानबीन करने के साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं इस संबंध में कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। सर, यहाँ पर 4 तारीख को जो है हम लोगों ने ये जियो फाइबर का BSNL फाइबर का एंटर लगाया था और साथ में यहाँ पे 7 CCTV कैमरे लगाए गए थे और जिसका हमने पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे सेटअप किया था बड़े स्क्रीन पर। और उसी दिन शाम को जो है रात को लगभग शायद 10-11 बजे लगभग वो चोरी हो गया, क्योंकि इसे सूचना में सबका फ़ोन आया था कि मैंने 11-12 बजे जो है अपना मोबाइल चेक किया था ऑनलाइन यहाँ पर देखने के लिए क्या स्थिति है, तो सब जो है बंद पड़ा था। उसका मतलब 11-12 की घटना लगभग है। उसमें हमारे जो है 2 प्रिंटर हैं, CPU है, UPS है और जियो इसका BSNL फाइबर का पूरा इंटरनल सिस्टम है और कुछ कैश हमारा जो फीस का यहाँ रखा था वो भी जो है उठा के ले गए लोग। और जो हमारा क्रीड़ा कक्ष था उसके ताले तोड़े गए, अलमारी तोड़ी गई थी, उसका सामान तो अस्त पाया गया था, लेकिन हमें सामान मिला है अभी स्टोर से, तो सामान जो है सही पाया गया। लेकिन यहाँ पर जो क्षति हमारी हुई है उसमें 2 प्रिंटर हैं और CPU है, UPS है, बड़ा TV हमारा है और ये जो फाइबर का हमारा जो पूरा सिस्टम था वो सब चोरी ले गए। गेट में कोई दिक्कत नहीं थी, गेट हमारा ताला सही था, लेकिन ये जो पीछे फांद के आए बाउंड्री फांद के आए हैं और उसी से जो है सर इसकी रिपोर्ट कराई आपने? हाँ, उसे तत्काल हमारे स्टाफ यहाँ पे आ गया था और हमारे ग्राम प्रधान जी पीटी जी यहाँ पे तत्काल आ गए थे और तत्काल सूचना दी गई थी पुलिस चौकी को। वहाँ से हमारे CO साहब SO सर भी आ गए थे और 2-3 सिपाही भी आए थे, उन्होंने पूरी जाँच करी। बाहर CCTV कैमरे लगे हैं बाहर भी किसी यहाँ पे शर्मा जी के, वहाँ भी फुटेज चेक करी गई है कि रात को कितने वाहन निकले यहाँ से, कितने गए, और वो भी जाँच चल रही है उसकी। और आज हम लिखित दे रहे हैं, सरकार ने कहा था कि आप लिखित दे दीजिए वहाँ पे, आज डिटेल में लिखित दे रहे हैं क्या क्या चीज़ चोरी हुई थी और क्या क्या पाए गए। उत्तराखंड सनसनी YouTube चैनल से जुड़ी सभी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।